Hello everyone. So let's begin with our session on Apache local community. And especially this session is going to be in Hindi language. So namaskar, adav, sat sri akal. So I am Priya Sharma. I am currently working as a senior software engineer at Hotwix Systems. I am a contributor to Apache or this project and Comdev project as well. And I am a member of ALC Indore. So here is the content. तो आज अपन जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो मेजरली ALC के बारे में ही रहेगा. तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि ALC क्या है, कैसे इसका फाउंडेशन हुआ, ओरिजिन क्या है. फिर सर्टन विल बी टॉकिंग अबाउट क्या चैलेंजेस थे जब उसको एस्टेब्लिश कर रहे थे हमको. फिर हम उन्हें उस चैलेंजेस को कोप अप करने के लिए क्या किया. फिर आप कोई भी ALC कैसे सेटअप कर सकते हैं, आप हर ALC का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है, और ALC चैप्टर्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं, अपन कौन कौन से इवेंट्स कर सकते हैं, ALC बेसिकली क्या करता है वो अपन देखेंगे. फिर वील बी सीइंग कि इवेंट की गाइडलाइंस क्या रहेंगी अगर कोई इवेंट आपको होल्ड करना है तो. फिर कॉशन में सिर्फ ये देखेंगे कि अपन क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं. फिर जर्नी अभी तक कैसी रही है हम लोगों की, और आगे के लिए क्या प्लान्स हैं, और हमको आप कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो अब आगे बढ़ते हैं. दिस इज़ अबाउट ALC. तो सबसे पहले ये कंसेप्ट आया कैसे. एक्चुअली जब वन ऑफ माई कलीग मिस्टर स्वप्निल माने जब वो किसी रोड शो के बारे में प्लान कर रहे थे, तब उनको पहली बार ऐसे नीड जनरेट हुई कि हम लोग लोकली जानते ही नहीं है कि अपाचे पे कौन कौन काम करता है. एज इन इंडिया से हमें एक दो लोगों को फिर भी जानते हो क्योंकि सेम कंपनी में है, बट जियोग्राफिकली इतना बड़ा रीजन है, वी डोंट नो कहाँ कहाँ कौन कौन लोग काम कर रहे हैं. अगर इन सच केस नीड पड़ती है और हम एक दूसरे को जानना चाहते हैं, वी डिडंट हैव अ प्लेटफॉर्म. तो ALC बेसिकली वो ब्रिज का काम करने के लिए ही ओरिजिन हुआ है इसका, जो कि एक जियोग्राफिक रीजन के लोगों को जो कि सेम लैंग्वेज बोलते हैं, सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं, उनको एक मीडियम मिले जिससे वो आपस में कनेक्ट कर पाए, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर पाए और अपना नॉलेज शेयर कर पाए. तो ये बेसिकली फिर सबको पता ही है, गूगल डेवलपर ग्रुप्स ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, फेसबुक डेवलपर सर्कल्स हैं. तो इन ये एक वन ऑफ द यू नो वो फैक्टर था कि हमको लगा कि हाँ हम भी कुछ अपाचे के लेके ऐसा कुछ एस्टेब्लिश कर सकते हैं. फिर नीड आई कि आप फिर वो सिमिलर है कि एक्सपैंड करना था कम्युनिटीज को. इसका सबसे बेनिफिट क्या रहेगा अगर आप एक ALC एस्टेब्लिश करते हैं. जैसे कि इंडिया में है तो इंडिया में बेसिकली सब इंग्लिश बोल सकते हैं, बट चाइनीज जैसे चाइना है, पोलैंड है, या अदर कंट्रीज है जहाँ पे लैंग्वेज का एक बड़ा बैरियर रहता है. तो अगर एक कोई लोकल कम्युनिटी है जो उनकी लैंग्वेज में बात कर सकती है, आपको चीज़ें समझा सकती है, जैसे अपाचे पे हम जनरली इंग्लिश यूज़ करते हैं, तो अगर आपको लोकल लैंग्वेजेस में ऐसे लोकल लोग मिलेंगे जो आपके आसपास रहते हैं और आपकी लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है लोगों में. तो दैट वॉज ऑल कि अपन ने ALC क्यों इस्टेब्लिश किया, क्यों ये आइडिया जनरेट हुआ. अब आगे बढ़ते हैं. तो जब ये आइडिया पहली बार जनरेट हुआ और हमने इसको पुट फॉरवर्ड किया कि हम ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं और हम ALC इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो बहुत लोगों ने बहुत कंसर्न्स रेज किए. सही बात भी है क्योंकि अपाचे का नेम बहुत बड़ी चीज़ है. इतने सालों में हमने जो अर्न किया है वो ट्रेडमार्क और नेम ही है, और उसके साथ कोई भी किसी भी तरह का मिसयूज़ या उसका एक्स्ट्रा एडवांटेज हम नहीं चाहते कि कोई ले पाए. तो उसके लिए सबसे पहला कंसर्न यही था कि ट्रेडमार्क का मिसयूज़ अगर कोई करेगा तो हम उसको कैसे चेक करेंगे कि वो ये नहीं कर रहे हैं. अगर आपने कोई भी ग्रुप असाइन कर दिया है कि वो अपाचे के बारे में बात कर रहे हैं, बट वी डोंट नो वो क्या बात कर रहे हैं, तो वही एक इशू था कि हम चाहते थे कि हम उसको चेक कर पाएँ कि ये कैसे रोका जाए कि कोई मिसयूज़ ना करे. और इसके लिए कौन अकाउंटेबल रहेगा, अगर 10-12 लोग हैं, सब वॉलेंटियर्स हैं, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, कभी उनका मन किया तो करेंगे, नहीं किया तो नहीं करेंगे. तो अकाउंटेबल कौन होगा कि किसी ALC में क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, उन इवेंट्स में क्या हो रहा है, सही मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो ये सब चीज़ों के लिए अकाउंटेबिलिटी चाहिए थी.
फिर हमें चाहिए था कि रिव्यू और ओवरसाइट कैसे करेंगे। अगर कोई इवेंट के लिए उन्होंने बताया कि हम सर्टेन चीज़ें बोलने वाले हैं, तो उसको इंश्योर करना कि वही इवेंट में बोला गया है जो उन्होंने हमें बताया था, तो ये भी एक कंसर्न था। फिर इन सारे कंसर्न्स को रेज किया, फिर इनको मिनिमाइज करने के लिए, अब इराडिकेट तो नहीं कर सकते, तो मिनिमाइज करने के लिए हमने कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन किया, जिसके बारे में नेक्स्ट अपन बात करेंगे। तो कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली यही था कि हम इंश्योर करना चाहते थे कि सारी ANCs और उनके मेंबर्स इन लाइन है अपाचे के मोटिव के साथ, ऐसा नहीं है कि वो लोग अपना ही बेनिफिट देख रहे हैं उसमें। तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया कि जो भी ALC मेंबर्स रहेंगे वो अपाचे कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे। तो अपाचे कोड ऑफ कंडक्ट इज बेसिकली सब ओपन, एंथुसियास्टिक, कम्युनिटी ओरिएंटेड रहेंगे, सब एक दूसरे को प्यार से देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से म्यूचुअल ट्रस्ट करके सबका भला करेंगे बेसिकली। फिर नेक्स्ट था कि कंसर्न था जो हमारा कि कौन इसका ओनरशिप कौन लेगा ALC का। तो हमने डिफाइन किया कि एक ALC चैप्टर बनाएंगे, जो कि ALC रहेगा उसका एक चैप्टर लीड बनाएंगे जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा फॉर दैट ALC। आपको कोई भी कंसर्न्स है इवेंट को लेके, उनके मैनेजमेंट को लेके, तो ALC लीड, चैप्टर लीड जो रहेगा वही ये सब मैनेज करेगा और टेक केयर करेगा। फिर था कि हमने बोला कि सर्टेन गाइडलाइंस बनाएं कि इवेंट्स आप कौन से रख सकते हो, कैसे उसको एग्जीक्यूट करोगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होगी, तो वो गाइडलाइंस सेटअप की। तो सभी को, सारे ALCs को वो गाइडलाइंस फॉलो करना ज़रूरी है। नेक्स्ट था कि डिसोल्यूशन कैसे होगा, तो उसके लिए भी हमने सर्टेन रूल्स डिफाइन किए कि अगर कोई ALC 3 महीने तक इनएक्टिव रहता है, इनएक्टिविटी का रीज़न कुछ भी हो सकता है, उसके मेम्बर्स अबेंडन कर दिया है, चले गए हैं, या फिर ऐसा हुआ है कि उनका जो गाइड था वो नहीं है अब, या उनके पास गाइड अवेलेबल नहीं है, या वो अब नहीं करना चाहते बेसिकली, नहीं वॉलंटियर वर्क ही नहीं करना उन्हें, तो आप डिसोल्यूशन के लिए ALC जो PMC है वो वोट करेगी, ALC चैप्टर के मेंबर्स से बात करेगी, उन वी कैन, दैट कैन बी डिसॉल्व। फिर नेक्स्ट हमने सेटअप किया कि जो भी ALC है वो हर 3 महीने में अपना को स्टेटस रिपोर्ट भेजेगी कॉमडेव को। तो कॉमडेव में बेसिकली सारे PMCs होते हैं, सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत कंसर्न हैं अपाचे को लेके, उसके बेनिफिट्स को लेके, तो वो लोग इसको ओवरसाइट देंगे, दे विल हैव अ लुक एट के सब सही चल रहा है, इवेंट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या डेटा पास ऑन हो रहा है उसमें, तो वो सब के लिए रिपोर्ट्स देंगे। फिर हमने ये भी बताया कि कोई भी ALC एज एन इंडिविजुअल एंटिटी अपना प्रेस रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द रीजंस इसमें कंक्लूड हो ही चुके हैं कि कंसर्न्स क्या क्या थे वो हमने एड्रेस कर दिए। एक और था कि ओवरसाइट कौन रखेगा, तो इसमें फाइनलाइज हुआ था कि हम जब भी कोई ALC सेटअप करेंगे तो 1+2 का गोल्डन रूल फॉलो करेंगे। वो 1+2 का रूल क्या है वो अपन आके देखते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कोई ALC अगर मुझे सेटअप करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए। तो सबसे पहले मैं ALC करना है तो मुझे मेंबर्स ढूंढने पड़ेंगे। मेंबर्स ढूंढने के बाद अगर मैं वो चैप्टर लीड बनना चाहती हूँ तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगी PMCs को ऑन द कॉमडेव लिस्ट। तो उसमें आप एक ईमेल करेंगे जिसके टाइटल में ALC होगा, रिक्वेस्ट टू establish ALC और सिटी का नाम। अब आप पहले डिसाइड करने से पहले आपको दो चीज़ें नोटिस करनी होंगी, मतलब इंश्योर करना होगा कि आपकी सिटी में वो इकलौती ALC होना चाहिए। पहले से कोई और ALC अगर है तो आप उसके मेंबर बन सकते हैं, आप नई ALC नहीं बना सकते। सेकंड, आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपकी ALC में 1+2 यानी कि 1 ASF मेंबर का होना और 2 PMC मेंबर्स का होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं है, इनकेस आपके पास एक ASF मेंबर नहीं है, तो जब आप मेल करेंगे तो आप उसमें मेंशन करेंगे कि हमारे पास ASF मेंबर नहीं है, तो आगे का प्रोसेस PMC देखेगी। तो फिर अब जब आपने मेल कर दिया है तो कोई भी PMC का मेंबर फ्रॉम द कॉमडेव लिस्ट उस मेल को प्राइवेटली फॉलो करेंगे, प्राइवेटली उसको अब आगे बढ़ाएंगे अदर PMC मेंबर्स के साथ। फिर क्या होगा, प्राइवेट पर उस पर वोटिंग होगी, PMC मेंबर्स वोट करेंगे, जैसा कि अपन को वोटिंग प्रोसीजर पता ही है अपाचे का, उसके हिसाब से वोटिंग होगी। अगर आपके सारे रूल्स फॉलो हुए हैं जो ALC सेटअप करने के लिए ज़रूरी हैं, वो आपने फुलफिल किए हैं, तो फिर आपका एक्सेप्ट हो जाएगी
आपको एक मेंटर असाइन होगा। मेंटर बेसिकली इसीलिए कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी सेटअप एएलसीज हैं उनके लोगों को अभी एक्सपीरियंस हो चुका है कि कैसे क्या क्या करना रहता है, क्या क्या फॉल्ट। तो वही एक ये मेक श्योर करने के लिए कि जो नए लोग आ रहे हैं वो अभी भी अपाचे वे को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी इनलाइन है या नहीं अपाचे के साथ। तो इसलिए आपको एक मेंटर असाइन होगा और आपकी एएलसी का सारे रिसोर्सेज स्टैब्लिश करके डॉक्यूमेंटेशन करके अनाउंस कर दिया जाएगा कि एएलसी स्टैब्लिश हो गई है। अगर इन केस वोटिंग में वो रिजेक्ट करते हैं तो वो आपको प्रोसीजर बताएंगे कि क्यों रीजन क्या रीजंस थे जिसकी वजह से आपका एस्टैब्लिशमेंट हमने नहीं फुलफिल किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है। तो आप उसको बाद में टेक केयर कर सकते हैं, दोबारा से कर सकते हैं उसके लिए रिक्वेस्ट। तो ये हो गया था कि अगर आपके पास एक पीएमसी आपके पास अगर एक एएसएफ मेंबर नहीं है तो पीएमसी के पास राइट है कि वो आपको एक मेंटर उनकी तरफ से एएसएफ असाइन करेंगे जो कि देखेंगे आपका फंक्शनिंग सही चल रहा है, आप सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। सो दैट इज हाउ एन एएलसी चैप्टर अपन बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी भी एएलसी या उसके मेंबर्स की क्या होती है। सबसे पहले तो हमारा वही काम है कि हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं अपाचे को लेकर लोकल कम्युनिटीज में। अब लोकल कम्युनिटीज होती है, जैसे हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इंडिया में ओपन सोर्स और अपाचे को लेकर उतनी अवेयरनेस नहीं है। तो हम यही चाहते थे कि लोकली हम लोग जितना इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कर पाए, लोगों को मोटिवेट कर पाए टू जॉइन अपाचे कम्युनिटी, टू वर्क ऑन दीज प्रोजेक्ट्स। तो वो हमारा एक स्पेशल वो हमेशा रोल रहता ही है। फिर नेक्स्ट हम चाहते थे कि यूजर्स डेवलपर्स जो कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं अपाचे के और इतना अवेयर नहीं है एक दूसरे के बारे में, वो अपने प्रोजेक्ट के लेके तो लोगों को जानते हैं पर एक दूसरे दूसरे प्रोजेक्ट्स इंटरलिंक नहीं है, तो वो एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, हम उनको जोड़ेंगे। फिर हम अलग अलग तरह के लोकल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें बहुत सारे लोगों को इंटरेक्ट करेंगे, उनको बताएंगे, तो बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे जो कि अभी ओपन सोर्स में भी जानते हैं नहीं जानते हैं उनके बारे में, उनको पता चलेगा। फिर नेक्स्ट होगा कि हम म्यूचुअल कोऑपरेशन सेटअप करना चाहते हैं अलग अलग एएसएफ प्रोजेक्ट्स को लेके। जैसे क्या होता है कि एक एएलसी में सारे लोग एक ही प्रोजेक्ट को लेके नहीं होते, अलग अलग प्रोजेक्ट से लोग होते हैं जो कि एक एएलसी में कंबाइन होके काम करते हैं। तो उसमें लोगों को दूसरे प्रोजेक्ट्स के लोगों को जानने का, उस प्रोजेक्ट में क्या होता है कैसे होता है वो सब जानने का मौका मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एएलसी चैप्टर्स अभी तक हमने कितने और कौन कौन से एस्टेब्लिश किए हैं। तो एएलसी का कंसेप्ट बेसिकली लास्ट ईयर 2019 में पहली बार हमने रेज किया था, उसके बाद अभी तक हमने 4 एएलसी एस्टेब्लिश किए हुए हैं। सबसे पहली एएलसी जो एस्टेब्लिश हुई थी वो एएलसी इंदौर है इंडिया में। नेक्स्ट वॉज एएलसी बीजिंग इन चाइना। थर्ड वॉज एएलसी वॉर्सा इन पोलैंड। देन वेरी यंग एएलसी दैट इज बुडापेस्ट हंगरी में। अब एक एक थोड़ा बहुत सबके बारे में एट अ ग्लांस देख लेते हैं। जो अपाचे एएलसी इंदौर है उसमें 15 मेंबर्स हैं। इट इज लेड बाय आदित्य शर्मा जो कि पीएमसी मेंबर हैं ऑफ अपाचे रूलर एंड अपाचे ओएफएस प्रोजेक्ट। फिर उसमें एक एएसएफ मेंबर है, 2 पीएमसी मेंबर्स हैं, एक कमेंटर है और बाकी सारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट इसका अगस्त 2019 में हुआ था क्योंकि ये सबसे पहली एएलसी थी। नेक्स्ट क्योंकि ये लोग मेजरली काम करते हैं अपाचे ओएफएस और रोलर पे। नेक्स्ट एएलसी जो है वो है एएलसी बीजिंग, उसमें 14 मेंबर्स हैं। इट इज लेड बाय विलियम जियांग जो कि काफी सारे प्रोजेक्ट्स के पीएमसी हैं। ही इज अ पीएमसी फ्रॉम अपाचे सर्विस कॉम, अपाचे कैमल, अपाचे एचबी, आई फॉरगॉट दैट। तो इसमें 2 एएसएफ मेंबर्स हैं, 2 पीएमसी मेंबर्स हैं, 1 पीपीएमसी है, एक कमेंटर है। मतलब काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अपाचे वे को, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन को काफी अच्छे से अपने उसके रूट्स को समझते हैं। फिर नेक्स्ट होगा एस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था फरवरी 2020 में और ये काफी सारे प्रोजेक्ट से लिंक्ड लोग इसमें जुड़े हुए हैं जो कि अपाचे स्काई वॉकिंग, शार्डिंग स्पेयर, इसके पीएमसी कॉन्ट्रीब्यूटर सब लोग जुड़े हुए हैं। जो कि नेक्स्ट एएलसी चैप्टर है वो है एएलसी वॉर्सो जिसमें 4 मेंबर्स हैं। टॉमिक उसके चैप्टर लीड है जो कि अपाचे एयरफ्लो के पीएमसी मेंबर हैं।
इसमें 3 PMC है, एक कॉन्ट्रीब्यूटर है और ये मार्च 2020 में स्टैब्लिश हुआ था। फिर नेक्स्ट है ALC बुडापेस्ट, जिसमें 6 मेंबर्स हैं। इट इज लेड बाय अटाला बुकर जो कि अपाचे कुडू के PMC मेंबर। तो ओवरऑल इसमें 5 PMC मेंबर्स हैं एंड इट वाज द लेटेस्ट वन, अप्रैल 2020 में स्टैब्लिश हुआ था ये वाला ALC। अब आगे बढ़ते हैं तो अपन टाइप्स ऑफ इवेंट्स की बात करते हैं कि किस किस टाइप के इवेंट्स अपन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट इवेंट्स। कॉर्पोरेट इवेंट्स में क्या होता है कि कंपनीज होती हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज जो कि किसी ओपन सोर्स पे काम करती हैं, प्रोजेक्ट पे, जो अपाचे का हो सकता है, किसी और का हो सकता है, तो आप इंटर कंपनी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हो। मीटअप्स हो सकते हैं, किसी कंपनी में आपने बुला लिया, दूसरी कंपनी के लोगों को इनवाइट किया टॉक देने के लिए, वो लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपन अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो ओवरऑल कम्युनिटी का बहुत बेनिफिट होता है इससे। सारे लोग एक दूसरे को जान पाते हैं, दूसरे चीज़ों को समझ पाते हैं। अगर हम अपाचे के हैं, वो किसी और ओपन सोर्स फाउंडेशन के हैं, हमारी बातें सुनेंगे तो वो अपाचे के बारे में मोटिवेटेड होंगे। फिर नेक्स्ट हो सकता है एजुकेशनल इवेंट्स। तो जैसे कि ALC इंदौर काफ़ी सारे एजुकेशनल इवेंट्स में बहुत एक्टिव रही है। हमने अभी तक 12 से भी ज़्यादा वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए हैं जो कि अलग अलग कॉलेजेस और स्कूल्स के बच्चों के लिए किए थे, क्योंकि अपने अवेयरनेस अपाचे और ओपन सोर्स को लेके बहुत कम है। और अभी जिस तरह से बूम चल रहा है कि आपको अर्ली एज में स्टार्ट करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिखाएंगे बच्चों को, तो काफ़ी मोटिवेटिंग रहता है ये उनके लिए। हम इसमें बात करते हैं उनसे कि ओपन सोर्स क्या है, उनको उससे क्या बेनिफिट्स होंगे, वो क्या क्या कर सकते हैं। हम इसमें उसको उनको अपाचे वे के बारे में बताते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे फॉलो होता है, क्यों फैसिनेटिंग हो सकता है उनके लिए, ये सब उनको बताते हैं। फिर आप मंथली मीटअप्स कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटअप कर सकते हैं या ऑफलाइन मीटअप कर सकते हैं। अपने लोगों को रजिस्टर करवा सकते हैं इवेंट के लिए, और जब लोग आएंगे उनको आप अपने किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर बता सकते हैं अपाचे के, या आप उनको प्रोसेसेस के बारे में बता सकते हैं, अपाचे वे के बारे में बता सकते हैं। तो इस तरह के कई सारे इवेंट्स आप कर सकते हैं। फिर आप हैकाथॉन्स कर सकते हैं जो कि आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर कर सकते हैं, चैलेंजेस के ऊपर कर सकते हैं। आप वेबिनार्स कंडक्ट कर सकते हैं जो कि अभी मैंने बताया। आप पॉडकास्ट कर सकते हैं, जो हमारी ALC बीजिंग है वो काफ़ी सारे पॉडकास्ट बनाए हैं उन्होंने अभी तक। इसमें वो क्या करते हैं कि एक इंटरव्यू काइंड ऑफ सेशन रखते हैं जिसमें वो किसी एक्सपीरियंस अपाचे कॉन्ट्रीब्यूटर या PMC को बुलाते हैं, उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो वो लोकल लोगों के लिए, मतलब जो अभी नए आने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, उनके लिए काफ़ी फैसिनेटिंग होता है पता करना कि अच्छा ये बंदा इतना बड़ा PMC है, इतना एक्सपीरियंस्ड है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसे आप उनसे डील करोगे, क्या हेल्पफुल रहेगा। तो वो सारी चीज़ें आप शेयर कर सकते हो लोगों के साथ। फिर इनोवेशन तो हमेशा ही ज़रूरी होते हैं। अभी हमने इतने लिस्ट किए हैं इवेंट्स, हो सकता है आप किसी अच्छे नए तरीके के इवेंट के साथ आ जाएं कि हाँ ये भी कर सकते हैं, तो दे आर ऑलवेज वेलकम। अगर आपके पास कुछ सजेशन भी हो तो आप प्लीज़ हमें बता सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इवेंट गाइडलाइंस क्या होती हैं? कोई भी अगर ALC है तो वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे, उसको करने के लिए भी हमने एक प्रोसीजर बनाया, सो दैट जो हमारा पहला कंसर्न था कि इस इवेंट में क्या होने वाला है वो हमें पता रहे। जो कि कॉमडेव की PMC है या अपाचे के लोग हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द मिसयूज, फॉर टेकिंग केयर ऑफ कि मिसयूज ना हो और सही से चीज़ें चल रही हैं, वो लोग उसको ओवरसाइट देख पाए, इसलिए हमने ये सर्टेन रूल्स बनाए हैं इसको इवेंट के लिए। तो सबसे पहले आप इवेंट करने जा रहे हैं अगर, तो बहुत पहले से आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप अपने इवेंट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करेंगे। हमारा हर ALC का कॉन्फ्रेंस का स्पेस होता है, उस स्पेस में आपको उस इवेंट के लिए एक पेज बनाना पड़ेगा। उस पर आप बताएंगे कि क्या क्या डिटेल्स हैं उस इवेंट की, वो क्या क्या करने वाले हैं, कौन स्पीकर रहेगा, क्या बोलेंगे, अगर कोई स्लाइड्स हैं, प्रेजेंटेशन है तो वो भी शेयर करेंगे। फिर आप कॉमडेव लिस्ट पर एक मेल करेंगे अपने इवेंट को बताते हुए कि हम सो एंड सो डेट पे ये इवेंट करने वाले हैं, कहाँ करने वाले हैं, उसमें क्या क्या रहेगा, और ये डॉक्यूमेंट्स जो आपने बनाए हैं उसकी लिंक डालेंगे सो दैट हमको पता चले। फिर नेक्स्ट होगा जो PMC, आप वेट करेंगे मेल करने के बाद कि PMC से अप्रूवल मिलेगा आपको
तो ही आप उस इवेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। पीएमसी मेंबर्स आपके इवेंट की डिटेल्स देखेंगे, उनको समझेंगे कि सब कुछ इनलाइन है, सब कुछ सही है, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे आपको वोटिंग के थ्रू। फिर आप अपना इवेंट एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद आपको उस इवेंट की जो पोस्ट इवेंट रिपोर्ट रहेगी, क्या किया आपने, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितनी ऑडियंस थी, कहाँ पे किया, क्या क्या किया, वो सब सारे, अगर पिक्चर्स हैं तो वो, अगर वीडियोस बनाए हैं तो वो आप शेयर करेंगे, सो दैट बाद में भी ये इंश्योर हो पाए कि आपने जो बोला था स्टार्टिंग में वैसे ही आपने इवेंट को कंडक्ट किया है और वैसे ही आपने उसको एग्जीक्यूट किया है। तो उसके लिए आप पोस्ट इवेंट रिपोर्ट बनाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स में वापस से अपडेट करेंगे और एक मेल करेंगे जो कि सेम मेल थ्रेड को अपडेट करते हुए कि आपने पोस्ट इवेंट में क्या क्या किया, उस इवेंट के बारे में बाकी सारी डिटेल्स दोबारा से देंगे। सो ये हो गया इवेंट की गाइडलाइंस, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको बहुत बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा क्योंकि एएलसी बनाना हमारे लिए भी बहुत दोनों साइड दोधारी तलवार जिसे बोलते हैं वो हो सकता था, कितने बेनिफिट से ज्यादा कभी नुकसान ना हो जाए, ऐसा ना हो कि आप कुछ चीज करने जा रहे हो और उसका कुछ एकदम गलत ही इफेक्ट पड़ जाए, तो फिर आपको बहुत लोगों को आंसर करना पड़ेगा। इसलिए बहुत सेफली चलेंगे, बहुत ध्यान से सब कुछ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट था, तो हमने उसमें से कॉशन देख लेते हैं कि क्या क्या करना है। तो हमको सबसे पहले बहुत बहुत ध्यान देना है इस बात का कि हम ASF के ऑनर और प्रेस्टीज को लेके साथ में चल रहे हैं। आप ट्रेडमार्क बन रहे हो, आप उनका ट्रेडमार्क यूज कर रहे हो, आप उनका लोगो यूज कर रहे हो कि हम अपाचे को क्यों यू नो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके प्रेस्टीज और ऑनर का ध्यान रखें। हम जो अवार्ड्स दे रहे हैं वो स्ट्रिक्टली अपाचे के मॉरल्स और वर्च्यूज को फॉलो करते हुए होने चाहिए। आप अपने पर्सनल गेन के लिए कोई ऐसा मैसेज तो नहीं दे रहे हैं जो कि सिर्फ आपके पर्सनल इंडिविजुअल गेन के लिए हो या आपकी कंपनी के गेन के लिए हो, आप स्ट्रिक्टली अपाचे को ही रिप्रेजेंट करें। फिर नेक्स्ट होगा कि ट्रेडमार्क्स का मिसयूज नहीं होना चाहिए। जो भी अपाचे का नाम है वो सिर्फ इसलिए है कि आप अपाचे को प्रमोट कर रहे हो, आप अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट रहेगा कि आपको जो भी इवेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसकी अपडेट्स रेगुलरली देनी है, सो दैट पीएमसी रहे जो है कॉमडेव की या एएसएफ के मेंबर्स हैं वो रेगुलरली अपडेटेड रहे कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट रहेगा कि आपको स्ट्रिक्टली जो कोड ऑफ कंडक्ट दिया है और इवेंट की गाइडलाइंस दी हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही करना है। तो अभी तक की जर्नी हमारी कैसी रही, लास्ट एक साल में हमने क्या क्या किया? तो लास्ट एक साल में हमने एक एएलसी से लेके चार एएलसी डेवलप की, जो कि काफी बड़ी चीज है। एक इतने छोटे से इनिशिएटिव को लेके इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, इतने लोगों ने कंसर्न्स रेज किए, इतने लोगों ने सॉल्यूशंस दिए, तो काफी सारा यू नो कम्युनिटी डेवलपमेंट उस प्रोसेस में भी हुआ। फिर नेक्स्ट हमने 700 प्लस ऑडियंस रीच किए थ्रू वेबिनार्स, थ्रू पॉडकास्ट, थ्रू मीटअप्स, किस किस तरह के 20 से भी ज्यादा हमने इवेंट्स किए हैं और काफी सारे लोगों को रीच किया है, उनको ASF का मैसेज पहुंचाया है। हम सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव रहते हैं, तो वो भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन रहता है जिसपे आप ट्रांसफर कर सकते हो अपना इंफॉर्मेशन को आगे। अब आगे क्या, इतना सब हो गया है, ALCs चार बन गई हैं, अब क्या करना चाहते हैं? तो बेसिकली हम इस गैप को फुलफिल करना चाहते हैं जो कि जिसमें लैंग्वेज बैरियर ना हो, जिसमें ज्योग्राफिकल बैरियर ना हो, जिसमें सारे लोग एक साथ आपस में कम्युनिकेट करके इजीली अपना नॉलेज शेयर कर पाएं, सीख पाएं, चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएं। फिर हम नेक्स्ट चाहते हैं कि अभी चार ALCs हैं तो काफ़ी सारे और ALCs बने, काफ़ी सारे लोकल लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, सीखें, सिखाएं और आगे बढ़ें। हम रोड शोज करना चाहते हैं, अगर इंडिया में भी और ALCs बन जाती हैं तो हम दूसरे सिटीज़ के लोगों के साथ मिलके ऑल ओवर इंडिया भी रोड शोज करना चाहेंगे, या और दूसरे नेशंस में भी अगर ऐसा होता है तो वो लोग भी कर सकते हैं। और फिर और कई सारे ऐसे इवेंट्स करना चाहते हैं जिसमें हम हर मंथ कुछ नया सीखें, कुछ नया सिखाएं, कुछ नए लोगों को जानें और उन लोगों को अपने बारे में बताएं। तो फिर अब नेक्स्ट है कि आप लोग हमें रीच कैसे कर सकते हैं। अगर आप हमें रीच करना चाहते हैं तो आप हमें कॉमडेव लिस्ट पे, दैट इज डेव एट community.apache.org पे एक मेल कर सकते हैं जिसके टाइटल में ALC रहेगा,
और जिसमें आप बताएंगे अपना कि आप हमसे क्या कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, और आप हम लोग वहाँ पर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारा एक स्लैक चैनल भी है जिसपे आप इनवाइट आप उसको स्लैक अकाउंट बना के आप ALC चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप हमें ALC का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है कॉन्फ्लुएंस पे, वहाँ पे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है ALC के बारे में। सारी जो चीज़ें मैंने अभी बोली वो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि ALC में क्या क्या कैसे कैसे होता है। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। क्वेश्चंस एंड आंसर्स आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू प्रिया। तो आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप चैट ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। आई गेस क्वाइट जल्दी फिनिश हो गया। और आप भी अगर कोई ALC सेटअप करना चाहते हैं अपने लोकल रीजन में, तो आप यही सर्टेन स्टेप्स फॉलो करके आप हमें बता सकते हैं। वी कैन हैव एन ALC फॉर यू इन योर लोकल रीजन, एंड यू कैन हैव कंडक्ट इवेंट्स अकॉर्डिंगली देयर। थैंक यू अमरेल, इट्स वेरी वैल्यूएबल फॉर अस टू हैव कमेंट्स लाइक दीज। ऑल्सो टू अपडेट, थैंक यू शैरन, वी विल ऑल्सो बी हैविंग ALC टॉक अबाउट the ALC in English, which will be conducted, which will be taken by Mr. Swapnil Mane, जो original founder है ALC initiative के, तो आप लोग वो भी join कर सकते हैं to have better glance at it. So thank you everyone. Namaskar again. Thank you, Dikpal. थैंक यू आशीष। थैंक्स रोहित। Thanks everyone again for attending this session and giving your valuable time to us. सर कोई कुछ भी पूछना चाहे रिगार्डिंग कैसे आप सेटअप कर सकते हैं या कुछ और ALC के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। जैसे ओपन फॉर Q&A।
I think there are no questions for now, so we can end the session. Thank you everyone for joining this session. Namaste. Namaste.